कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के साथ भारत बहुत अच्छे से युद्ध कर रहा है, हो भी क्यों ना, हमारा देश ऋषि मुनियों और असाधारण दैवीय ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, तो ये नेचुरल सी बात है, उनका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। जो ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाता है वो पुण्य कभी क्षय नहीं होता। मित्रों, सबका स्वागत करता हूँ आपका और सभी विद्वान गुरुओं और जो जितने भी संत मुनीश्वर मुझे सुन रहे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज की इस वीडियो का विषय बहुत विशेष है। भगवान शिव जब अपना पंचमुखी रूप धारण करते हैं तो ईशान इत्यादि पंचमुख धारण करते हैं, उनमें से एक मुख है अघोर मुख, और उनके मंत्र को बोला जाता है अघोर अस्त्र मंत्र। इसकी स्तुति भी है और अग्नि पुराण और तंत्र शास्त्रों में यथाचित विवरण से ये सब कुछ सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोग इसका चिंतन नहीं करते, हमने पठन पाठन इत्यादि खो दिया, वो सभ्यता खो दी। फास्ट फूड का ज़माना आ गया तो भैया फास्ट फूड खाओगे, फास्ट फास्ट ही होता है सब कुछ। ऐसी बहुत सी सटीक साधनाएं जो शास्त्रों से संबंधित हैं, बहुत सी साधनाएं हैं, उनमें से ही एक साधना है जो अक्सर ब्राह्मण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जब किसी की अकाल मृत्यु का योग बन जाए जन्मपत्री में, या किसी पे कोई कष्ट आ जाए, तो भगवान भोलेनाथ के निमित्त वो महामृत्युंजय जाप बताया जाता है। और कई ऐसी परालौकिक शक्तियां बाधा डालती हैं अपर योनि की अलग अलग जातकों के जीवन में। एक राजस्थान का है तो कहीं हिमाचल का है, तो कहीं कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई तमिलनाडु का है। कई लोग ऐसे भी हैं जो विस्थापित हो चुके हैं भारत से, बाहर के नागरिक हो गए। बड़ी खुशी की बात है, आज मुस्लिम देशों में भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ एक दूसरे के टांग खींचने के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि अति हो जाता है। जब कोई वस्तु आपको बिना मूल्य दिए मिले तो आप उसका मूल्य क्यों लगाएंगे? यही हो रहा है हमारे भारत में। ये ऋषि मुनियों का देश है, गोरे लोग हमसे सब विद्या ले गए, लेकिन हमारे लोग पीछे रह गए। वो पीछे इसलिए रहे क्योंकि हमारे लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहे। अब बात आ गई शिक्षक, जो शैक्षिक स्तर है बहुत ऊंचा उठ चुका है देश का। अभी क्रांति आएगी और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मेरा चैनल रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, इंटरनेट के ऊपर मेरी आवाज़ रहेगी। भारत बहुत तेज़ी से गतिशील है और बहुत तेज़ी से एक झटका तो आएगा, मंदी का झटका आएगा, बहुत गति से भारत आगे भी जाएगा। इसको अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब
पावर गियर पड़ गया। चलिए साधना की बात कर ले। अघोर अस्त्र, अघोर अस्त्र नाम से ही पता चलता है अघोर। ये एक ऐसी अनुष्ठान का नाम है जिससे कि अपर योनि की जितनी भी बाधाएं हैं, भूत प्रेत यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर सबकी बाधाएं इससे शमन हो जाती हैं। 3 से 7 पीढ़ियों तक की भी प्रेत अगर पीड़ा होगी वो भी इससे निवृत्त होती है। ग्रह कितने भी मारक हों वह भी इससे शांत हो जाते हैं। कैसा भी भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति हो, पिशाच ग्रसित व्यक्ति हो, वो भी इससे ठीक हो जाता है। दैवीय आपदाएं, अपर योनि के देवताओं द्वारा या किसी के दुष्ट हो जाने के द्वारा, किसी के क्रोध के द्वारा होने वाली जितनी भी आपदाएं हैं सबका शमन होता है इससे। चलिए अब समय आ गया कि महामृत्युंजय के साथ साथ अब अघोर अस्त्र का अनुष्ठान भी ब्राह्मण भाई करवाएं। यहाँ संक्षिप्त मैं कुछ सामग्री दे रहा हूँ पठन के लिए आपके। इसका मिलान अपने शास्त्रों से कर लें। कई बार स्वर व्यंजन में कोई त्रुटि होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी फास्ट नहीं है कि संस्कृत को समझ सके। व्याकरण के स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये अभी इतनी कामयाब नहीं है। फिर भी क्षमा प्रार्थी रहूँगा अगर कोई मंत्राक्षर में भूल रह जाए। विद्वान लोग इस विधि को तंत्र शास्त्रों में, अग्नि पुराण में जो मूल तंत्र शास्त्र हैं सभी वहीं से उठा के देते हैं। विद्या कोई बाहर से नहीं आती, मंत्र बनाए नहीं जाते, इनकी कोई रेसिपी नहीं होती, ये गुरु द्वारा प्रदत्त होते हैं। अघोर अस्त्र अपने आप में ही सब तरह की बाधाएं, चाहे वो किसी दैविक अस्त्र से डाली गई हों या किसी कृत्या से डाली गई हों। और मैं एक मज़ेदार आपको बात बताऊं, बड़ा नाम सुना होगा कृत्या का। अघोर अस्त्र के साधक के ऊपर कभी कृत्या नहीं चलती, क्षय हो जाती है। ब्रह्मास्त्र इत्यादि अस्त्र भी शांत हो जाते हैं, एक अस्त्र दूसरे अस्त्र से कट जाता है। ये वास्तव में होते हैं, लेकिन अब वो नहीं जैसे आपने वो रामायण में देखे होंगे कि हाथ किया और तीर आ गया। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। वो प्रारूप कुछ और था, ये प्रारूप कुछ और है। वो प्रारूप दैवीय था, आज का टाइम विज्ञान को आगे लेके चलता है। ज्ञान से विज्ञान आता है, विज्ञान से ज्ञान नहीं आता। दूसरी बात, हमारी श्रद्धा एक ही पल में, देखिए इंसान ने कितनी तरक्की की, ईश्वर ने क्या किया। इंसान के कुकर्मों का दंड, किसी के किए का दंड पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। मनुष्य जब जब ऐसी गलतियां करता है तब कोई ना कोई दैवीय आपदाएं। मनुष्य प्रकृति के साथ कितना खेलेगा, कितना शोषण करेगा, कितना दोहन करेगा। मित्रों, अघोर अस्त्र की जो विधि है वो आपको डिटेल बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरु के सानिध्य में जाएं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनके सामने हेकड़ी ना दिखाएं। और अघोर अस्त्र का पाठ गुरु से प्राप्त होने के बाद ही करें। धन्यवाद, नमस्कार।